हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टारगेट टेस्ट पेपर 2 के आंसर की के बारे में। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में एक सेकेंड टेस्ट पेपर प्रेजेंट किया था, उसका आंसर की मैं जारी कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर को। जो पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर बी है, सेकंड का राइट आंसर बी, थर्ड का राइट आंसर डी, फोर्थ का राइट आंसर ए, फिफ्थ का राइट आंसर सी, सिक्स्थ का राइट आंसर ए, सेवेंथ का राइट आंसर डी, एट्थ का राइट आंसर बी, नाइन्थ का राइट आंसर डी और टेंथ का राइट आंसर सी। 11th का राइट आंसर सी, 12th का राइट आंसर सी, 13th का राइट आंसर सी, 14th का राइट आंसर सी, 15th का राइट आंसर ए, 16th का राइट आंसर ए, 17th का राइट आंसर ए, 18th का राइट आंसर सी, 19th का राइट आंसर ए और 20th का राइट आंसर बी, 21 का राइट आंसर ए, 22 का राइट आंसर सी, 23 का राइट आंसर बी, 24 का राइट आंसर डी, 25 का राइट आंसर डी, 26 का राइट आंसर डी, 27 का राइट आंसर बी, 28 का राइट आंसर सी, 20 राइट का राइट आंसर डी और 30 का राइट आंसर डी, 31 का राइट आंसर ए, 32 का राइट आंसर बी, 33 का राइट आंसर सी, 34 का राइट आंसर बी, 35 का राइट आंसर ए, 36 का राइट आंसर ए, 37 का राइट आंसर बी, 38 का राइट आंसर ए, 39 का राइट आंसर बी, 40 का राइट आंसर बी, 41 का राइट आंसर बी, 42 का राइट आंसर सी, 43 का राइट आंसर बी, 44 का राइट आंसर बी, 45 का राइट आंसर सी, 46 का राइट आंसर बी, 47 का राइट आंसर ए, 48 का राइट आंसर बी, 49 का राइट आंसर ए और लास्ट 50 का राइट आंसर बी है। दोस्तों, टेस्ट पेपर को बहुत कम लोगों ने प्रेजेंट किया है और शायद वो लोग समझते हैं कि टेस्ट देना उचित नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ दो बंदे हैं जो कि टेस्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। उन दो लोगों को बहुत बहुत बधाई टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, और इस टेस्ट पेपर पे आपने जो समय दिया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उन दो लोगों का नाम है, पहले जो राइट चूज की हुई हैं इस टेस्ट पेपर को, उनका नाम है काजल, और जो दूसरी स्टूडेंट हैं उनका नाम है दीपिका सिंह। और इन दोनों लोगों को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल पीपल प्लीज रिक्वेस्ट, मैं नेक्स्ट पेपर जब भी प्रेजेंट करूं, आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक आंसरों का आप लोग सोल्यूशन भेजें, क्योंकि इससे मुझे ये अचीव करने में पता चलेगा कि आप लोग कितने कमज़ोर हैं या आप लोग कितने, आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है या आप लोगों को क्या क्या बाकी है। मैं इस टेस्ट पेपर का लेने का मेरा मकसद ये है कि मैं ये देख सकूं कि आप लोग अभी कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसी माध्यम से मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। आप लोग खुद देखेंगे और आप लोग खुद गेन करेंगे कि टेस्ट पेपर कैसे हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से टेस्ट को आप लोग दिया करें और आगे से
प्लीज़ अधिक संख्या में दें, वरना थोड़ी मुझे निराशा होती है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ और आप लोग उसको उचित नहीं समझते हैं। डरिए नहीं, आप लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। जितने क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग बताइए, तो मुझे आगे की आप लोगों के साथ एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि आप लोग कितने कमज़ोर हैं या आप लोगों को क्या क्या आवश्यकता है। अभी जिन लोगों ने टेस्ट पेपर दिया है, सभी लोग देखते होंगे, जानते होंगे, प्लीज़ आप लोग भी टेस्ट में इन्वॉल्व होइए। तो दोस्तों, अगर इस टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का सलूशन ज़रूर बताऊंगा। और सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर टेस्ट पेपर हो, मेरे द्वारा प्रेजेंट किया हो, कोई मैटर हो, अगर उससे आप लोगों को जानकारी मिलती हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। तो सारे दोस्तों को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक बधाई। थैंक यू दोस्तों।